ये 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले अकबर साहब, इसमें हम पक्का प्लानिंग किए। अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रयान गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा। मैं वादा कर रहा हूं। अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो, आपके चंद्रयान गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रयान गुट्टा में कांग्रेस ओबीसी को आपको ज्यादा प्यार है। ओबीसी के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्रास कम्युनिटी को चंद्रयान गुट्टा से। मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रयान गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू। भाई भाई मैं अभी वादा कर रहा हूँ चेयरमैन साहब, स्पीकर सर आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बीफॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। साहब साहब का साहब का मेरा दोस्त मेरा बीफॉर्म मेरा पार्टी के बीफॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है। नामिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नामिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहां पर बिठा के, अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। इसीलिए ये जो गौलीगुड़ा से फलकनामा, फलकनामा से चंद्रयान गुट्टा तक 2675 करोड़ से मेट्रो बनने वाले, हम लोग जल्दी से ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन काम शुरू हो गए, पैसे भी दिए। साहब को अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन सारा अकबर साहब को मैं दूंगा। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गए, 2675 करोड़ से गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा, फलकनामा से लेकर चंद्रयान गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर का जो मेट्रो बनाना है मेरे जिम्मेदारी है। बींग एन MAUD एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, मैं उनको वादा कर रहा हूँ आपके सामने, मैं मेट्रो रेल बना के दिखाऊंगा।